किसी भी सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ कमेज बन साजो गोरी। नाजरीन जिस तरह मेरा प्रोग्राम देखते हैं साथी हाथ बनाना, और मैंने चार दिन पहले एक प्रोग्राम किया जो कराची में, अभी तक मैं कराची में ही हूँ। और जब मैं प्रोग्राम आने हुआ तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान साकिर भाई, उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा और वो स्पेशली मेरा प्रोग्राम देख कर वो इस तरह ही लोगों की हेल्प करते हैं, पर वो सामने नहीं आते, लेकिन वो मुझे कह देते हैं कि आप ये लोगों का लाभ लें और उस फैमिली को जाके दिए हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ कराची में, वहीं पर उसी घर में, और प्यारी सी बेटी जो मेरे साथ मौजूद है, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, कितने हैं इसमें, लेकिन ये खुदावन की ब्लेसिंग है उस भाई की तरफ से, और ये मैं बेटी को देना चाह रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह इमरान भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग देखें और इस तरह ही हमारी लोगों की हेल्प करें, तो मैं ये बेटी को देना चाह रहा हूँ ताकि कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ जो है भाई के लिए काम आ जाएगा, किसी मेडिसिन की सूरत में आ जाएगा, किसी खाने की सूरत में आ जाएगा। क्योंकि जो लिक्विड पी रहे हैं, मैंने अभी भी आज पूछा आके, तो ये इस तरह ही जो है लिक्विड की शक्ल में चीज़ें पी रहे हैं क्योंकि ये खा नहीं सकते। और मैं जो है इस बेटी को, हमारी जो प्यारी सी बच्ची है, मैं आपको बता ये आपको ये बताऊँ को लाभ ये पकड़े हैं आप। और तो बेटा ये जो है हमारे जो है इमरान भाई, उन्होंने स्पेशली आपके लिए भेजा, और आप इमरान भाई के लिए कुछ कहना चाह रही हैं? भाई कैमरा में ना कैमरा के लिए और दूसरे भाइयों के लिए दुआ करें कि वो भी आपके जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प करें और आपके पापा जल्दी से ठीक हो सके। दुआ करूंगी कि जिन्हें 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 हमारी मदद की है और करना चाह रहे हैं ठीक है, उनके लिए मैं दुआ करूंगी। आमीन आमीन। पापा उठे ना जाना, बोलिए अब कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे बाबा के लिए मदद की है उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बाबा थोड़े ठीक हैं, खुदा ने ठीक किए हैं, जो जो आपने हेल्प की है उस वो मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरे बाबा की हेल्प की है। नादरीन ये मुझे इस बात के लिए दुख नहीं हो रहा कि मैं इस बच्ची से कह रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप का आसरा बन जाते हैं जब बड़े होते हैं, तो अगर ये हमारी जो बेटी है ये अभी ही आसरा अगर बन गई है तो कुछ कर तो सकती नहीं, लेकिन दुआ जरूर कर सकती है, और बच्चों की दुआ जो है खुदा के पास डायरेक्टली चली जाती है, और इन्हीं बच्चों की दुआएं सुनकर लोग भी आगे बढ़ते हैं। दोबारा इमरान भाई को और उनकी मिसेज को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी वीडियो देखकर इस तरह ही आगे बढ़कर हेल्प करते हैं लोगों को, तो बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।